नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बारहवीं बोर्ड के लिए फिर से खुला रजिस्ट्रेशन विंडो। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर। लेट फी के साथ कर सकते हैं आवेदन। आज है कार्तिक पूर्णिमा, जानिए इसका महत्व। पटना के गंगा घाट पर व्यवस्था हुई सख्त। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मैच, भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया। सेमीफाइनल में जगह हुई पक्की। बिहार चुनाव से पहले मेट्रो परियोजना की होगी शुरुआत। राज्य सरकार ने मेट्रो के लिए दिए 115 करोड़ रुपए। जुलाई तक 5 स्टेशनों को चालू करने का है लक्ष्य। घूस मांगने पर करे शिकायत, भ्रष्टाचार के खिलाफ है जीरो टॉलरेंस की नीति। निगरानी विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अब कोचिंग सेंटरों की नहीं चलेगी मनमानी। 100% सिलेक्शन और नौकरी के झूठे दावे पर कसेगा शिकंजा। नए गाइडलाइंस हुए जारी। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका के बीच चौथा मैच आज। सीरीज बचाने उतरेगी साउथ अफ्रीका। रात के 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी द्वारा ग्रुप सी कैटेगरी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 20 पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो, संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा भरणी नक्षत्र और वरियान योग में मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान, भगवान सत्यनारायण की पूजा और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। आज गंगा घाटों पर दीप दान और आरती का आयोजन होगा, जिसमें हजारों दीपों से घाट रोशन होंगे। आज पटना से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या जुटेगी, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किए गए हैं। 15 नवंबर को कारगिल चौक से गाय घाट तक सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जेपी सेतु पर बीते रात 10 बजे से आज सुबह 11 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए घाटों के पास पार्किंग व्यवस्था की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे ज्योति प्रकाश निराला की। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1986 में बिहार के रोहतास में हुआ था। ये भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में ये शहीद हुए। इनके मरणोपरांत इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये देश के तीसरे व्यक्ति रहे। बिहार के इस लाल के योगदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को खुशखबरी दी है। कैबिनेट में 38 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई, जिसमें महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी मिली है और भूमिहीनों को 3 डिसमल जमीन देने के लिए 1 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। पटना में ट्रैफिक सुधार के लिए 153 नए पदों का सृजन किया गया है। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सड़क सुदृढ़ीकरण एवं रख रखाव के कार्यक्रम भी लागू होंगे। बागमती नदी पर 3.35 किलोमीटर लंबा नया पुल बनेगा। केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार 107,079 उम्मीदवार पास हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21 और 25 व 28 अगस्त 2024 को हुआ था, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए थी। इस परीक्षा में 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 12 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा बिहार के 38 जिलों में 545 सेंटर्स पर हुए थे। आपको बता दें कि आयोग ने अपनी वेबसाइट का लिंक बदलकर csbc.bihar.gov.in कर दिया है। पहले ये csbc.bih.nic.in था। सिपाही भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के बाद इसे रद्द कर दिया गया था।
अक्सर सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूस लेने का मामला सामने आता है, लेकिन यदि आपसे कभी कोई सरकारी कर्मचारी या किसी सरकारी कार्यालय में घूस की मांग की जाती है तो आप इसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इसके तहत 7765953261 पर या टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क कर सकते हैं, या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार 06 सर्कुलर रोड पटना 800001 स्थित कार्यालय जा सकते हैं। ध्यान रखें, पैसों के बल पर काम कराना कानूनी अपराध है। भारत और थाईलैंड के बीच हुए महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मैच में भारत ने थाईलैंड को 13-0 के बड़े अंतर से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में दीपिका ने 5 गोल किए, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2-2 गोल करके भारत को जीत सुनिश्चित किया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है, जबकि उनके पास 2 और मैच खेले जाने बाकी हैं। भारत की इस शानदार जीत के साथ ही अब उनकी निगाहें टूर्नामेंट के अगले राउंड पर होगी, जहां उनका सामना थाईलैंड से होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने बिहार दौरे की योजना बनाई थी, लेकिन यह अचानक स्थगित हो गया। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बताया कि नई तिथि जल्द तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन्हें हटा दिया जाएगा और माइनॉरिटी समाज को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुस्लिम संगठनों को मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि उनकी चिंताओं को दूर करके विधेयक लागू किया जाएगा। इससे पहले जेपीसी ने अन्य राज्यों का दौरा किया था, जिसमें बिहार का दौरा 12-13 नवम्बर को निर्धारित था। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने पंजीकरण प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। ये निर्णय उन छात्रों के अनुरोध पर लिया गया है जो प्रारंभिक पंजीकरण की समय सीमा से चूक गए थे। अब वे छात्र जो पहले पंजीकरण नहीं कर पाए थे, वे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 नवंबर है, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 19 नवंबर है। इस दौरान लेट फीस भी लागू होगी। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की सेंटअप परीक्षा की डेट भी जारी कर दी है, जिसमें कक्षा 12वीं की परीक्षा 11 से 18 नवंबर तक चल रही है। लोग अपनी बचत को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें से एक है पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना। पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए सबसे पहले नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाएं और खाता खोलने का फॉर्म लें। फिर फॉर्म में अपनी जानकारी भरकर आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। फॉर्म जांचने के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप भारतीय नागरिक और वयस्क हों, या फिर नाबालिग के लिए माता पिता खाता खुलवा सकते हैं। खाता खोलने पर आपको चेकबुक, एटीएम कार्ड, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएँ मिलती हैं। न्यूनतम 500 रुपये से खाता खोला जा सकता है। बिहार के पंकज त्रिपाठी, जो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, अब मध्य प्रदेश के टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। उनका इस राज्य से गहरा संबंध है, क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ की है, जैसे कि स्त्री, लुका छुपी, लूडो और ओह माय गॉड। पंकज का कहना है कि मध्य प्रदेश उनका दूसरा घर बन चुका है। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल, वाइल्ड लाइफ और प्राचीन वास्तुकला से भारत का दिल बनाते हैं। इन्हें इनके ट्रैवल पैशन के लिए भी जाना जाता है। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करेंगे। खजुराहो, ग्वालियर के किले और कान्हा बांधवगढ़ के जंगलों सहित राज्य के विविध स्थल टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम नहरिया सराय में बिहार कौशल विकास मिशन के संकल्प योजना के तहत 22 और 23 नवंबर को 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा। इस मेले का उद्देश्य कम पढ़े लिखे और कौशल में कमजोर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। लगभग 2000 व्यक्तियों के लिए विभिन्न नियोजकों द्वारा नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए गए। मेले के प्रचार प्रसार के लिए जिला कौशल प्रबंधकों को युवाओं के बीच जानकारी फैलाने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह करेंगे। बैठक में नियोजन अधिकारियों, जिला कौशल विशेषज्ञों और जिला कौशल प्रबंधकों ने भाग लिया। मेले में 36 नियोजकों और 8 विभागीय स्टॉल होंगे।
2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने पटना मेट्रो परियोजना के तहत मेट्रो की शुरुआत करने की तैयारी पूरी कर ली है। जापान की एजेंसी से कर्ज मिलने में देरी को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये रकम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पटना मेट्रो के निर्माण के लिए दी गई है। बिहार सरकार ने ये रकम पहले किस्त के रूप में जारी की। पटना मेट्रो के पहले चरण के तहत जुलाई 2025 तक 5 स्टेशनों को चालू करने का लक्ष्य है, जिसमें पटना बस स्टैंड से मलाही पकड़ी तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए मेट्रो डिपो और विभिन्न सुविधाओं की तैयारी चल रही है। बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाला राजगीर महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जिला प्रशासन इस 3 दिवसीय आयोजन को सफल और अभूतपूर्व बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास कर रहा है। महोत्सव में RICC और हॉकी मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वधर्म मंगलाचरण, सद्भावना मार्च और तांगा पालकी सज्जा जैसे विशेष आकर्षण होंगे। इसके अलावा कृषि मेला, व्यंजन मेला और महिला महोत्सव जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। स्थानीय कलाकारों के लिए नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाएं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महोत्सव को और भी आकर्षक बनाने के लिए प्रतिष्ठानों की सजावट प्रतियोगिता होगी। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि UPSC नीट JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए कोचिंग सेंटर अक्सर झूठे दावे करते हैं। इन दावों पर नियंत्रण के लिए अब 100% चयन या नौकरी की गारंटी देने वाले विज्ञापनों पर पाबंदी लगाई गई है। CCPA ने 45 कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइडलाइंस के तहत अब कोचिंग सेंटरों को कोर्स फीस, शिक्षकों की जानकारी और रिफंड नीतियां पारदर्शी रूप से बतानी होगी। बिना सहमति के छात्रों के नाम या फोटो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बिहार में ठंड का प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आने वाले कुछ दिनों में कई जगहों पर कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा आज का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिले में एक या दो स्थानों पर मध्यम से घने स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना है। पुलिस ने शराब कारोबार के खिलाफ पटना में बड़ी कार्रवाई की है। बिहट्टा थाना क्षेत्र के पथलौटिया गांव के सोन नदी किनारे चल रही कई शराब की भट्टियों को संचालन हो रहा था, जिसे पुलिस ने ध्वस्त किया है। इस दौरान पुलिस ने एक शराब कारोबारी नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारी के पास से 400 लीटर देसी शराब जब्त किए गए। बिहट्टा थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य शराब कारोबारियों का पता चल सके। पुलिस ने यह भी कहा है कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार जमुई के बल्लोपुर गांव में तीसरी बार यात्रा करेंगे। इस बार पीएम मोदी आबो जनजातीय उत्कर्ष योजना की शुरुआत करेंगे। पीएम के आगमन से गांव में भारी उत्साह है और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सड़कें चमचमाने लगी हैं और क्यूल नदी के किनारे जगमगाती लाइट्स लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर युवाओं को प्रेरित करेंगे। सभा स्थल पर वातानुकूलित कॉटेज बनाए गए हैं। साथ ही आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसे पीएम मोदी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। RJD नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलना चाहिए। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम से ये मांग करनी चाहिए कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब किसी के भी पैर छूने लगे हैं, यहाँ तक कि अधिकारियों तक के पैर छूने लगे हैं। तेजस्वी ने ये आरोप भी लगाया है कि बिहार को केंद्र से उचित व्यवहार नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बिहार जदयू ने प्रदेश कार्यालय पटना में प्रमंडल प्रभारियों, जिला अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक आयोजित की है।
इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने की, जबकि संचालन चंदन कुमार सिंह ने किया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी की निचली इकाइयों को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जदयू समाजवादी सिद्धांतों पर चलती और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। मंत्री विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर बैठक में 2025 के चुनाव में 225 सीटों पर जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन किया है। 4 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, जिससे सीरीज हारने का खतरा नहीं है। पहले मैच में भारत ने 61 रनों से जीत हासिल की, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की और तीसरे मैच में भारत ने 11 रनों से वापसी की। चौथा मैच 15 नवंबर को जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की नज़र अब सीरीज जीतने पर होगी, जबकि साउथ अफ्रीका सीरीज बचाने में उतरेगा। पिछली 5 सीरीज में से 3 ड्रॉ रही हैं और भारत ने 2 सीरीज जीती है। मैच भारतीय समयानुसार 8:30 बजे शुरू होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1830 में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड से के लिए रवाना हुए थे। आज के दिन वर्ष 1949 को महात्मा गांधी की जान लेने वाले नथुराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को सजा मिली थी। आज के दिन वर्ष 2000 में झारखंड देश का 28वां राज्य बना था। आज के दिन वर्ष 1875 में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और आदिवासी के नेता बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1986 में सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था। ये हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन शादी के बाद अक्सर लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना भूल जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो शादी के 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस से बनवाना जरूरी है। अगर शादी के 30 दिन बाद आवेदन करते हैं तो लेट फी लगती है। हालांकि इस सर्टिफिकेट के लिए शादी के 5 साल तक आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जिला रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होती है। आवेदन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस या ग्राम पंचायत में जाना होता है। आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शादी का कार्ड और शादी के फोटोज शामिल हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को गाना सुनना पसंद है उनके लिए ब्लूटूथ स्पीकर आजकल की ज़रूरत बन गए हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं और कहीं भी म्यूज़िक सुनने का अनुभव देते हैं। हालांकि मार्केट में कई विकल्पों के कारण सही स्पीकर चुनना मुश्किल हो जाता है। स्पीकर खरीदते वक्त सबसे पहले ऑडियो क्वालिटी पर ही ध्यान दें। अच्छे स्पीकर से साफ साउंड आता है। स्पीकर का साइज भी मायने रखता है, क्योंकि बड़े स्पीकर बेहतर साउंड क्वालिटी देते हैं, जबकि छोटे स्पीकर पोर्टेबल होते हैं। बैटरी लाइफ, पोर्टेबिलिटी और वाटरप्रूफिंग जैसे फीचर्स भी महत्वपूर्ण हैं। साथ ही कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे ब्लूटूथ 5.0 और AUX इनपुट भी देखना चाहिए। इन पहलुओं का ध्यान रखते हुए आप अपने लिए सही ब्लूटूथ स्पीकर चुन सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हाइड विदा नाम से एक बॉडी ग्रोथ सप्लीमेंट बेचा जा रहा है, जिसके आयुष मंत्रालय से अप्रूवल होने की बात कही जा रही। लेकिन आपको बता दें कि सप्लीमेंट को आयुष मंत्रालय की तरफ से कोई स्वीकृति नहीं मिली है। हाइट वेदा नाम से बेचे जा रहे कंपनी के ये दावे झूठे हैं। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर की पुष्टि की है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बिहार पुलिस, BPSC, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 9 नवंबर, ऑप्शन बी है 10 नवंबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 12 नवंबर। इसका सही उत्तर है 9 नवंबर। हाल ही में कहां मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है वियतनाम, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए है रिकी केज, ऑप्शन बी अनुष्का शंकर, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? ऑप्शन ए है भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी है त्रिलोचन सिंह, ऑप्शन सी अमित नाथ दास, ऑप्शन डी है कालिदास बसु। इसका सही उत्तर है कालिदास बसु। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था?
ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र मित्र। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र मित्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, राजेश मांझी, संजीत कुमार तिवारी, अरुण कुमार भारती, मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद जेम्स, नुन्नू गोलू कुमार, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार राजपूत, परशुराम सिंह, शिव शक्ति, धर्मेंद्र चौहान, आलोक प्रियदर्शी, कंचन देवी, आर्यन सोनी, अनवर करीम खान, जितेंद्र ठाकुर, विनय कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपसे कभी किसी सरकारी कर्मचारी ने घूस की मांग की है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देखना तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।